नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको थर्मास्टेट वाल्व को कैसे चेक किया जाता है इस बारे में बताऊंगा। जो आप ये थर्मास्टेट वाल्व देख रहे हैं, ये टाटा एस गाड़ी का है। इसके लिए जो अभी ये थर्मास्टेट वाल्व आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से बिल्कुल बंद है, इधर से बिल्कुल बंद है। अब मैं अपने इसको चेक करने के लिए एक बिल्कुल बंद है, देखिए उबलते हुए पानी में डालेंगे और पानी जब 83 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर आ जाएगा तब ये खुल जाएगा। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप पानी को गैस में भी गर्म कर सकते हो और भी किसी चीज़ से गर्म कर सकते हो। आप देख रहे हो ये पानी उबल रहा है, तो इसके अंदर ये थर्मास्टेट वाल्व डालेंगे। थर्मास्टेट वाल्व डाल दिया है, अब अपन इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं। अभी तक ये खुला नहीं है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगर ये वाल सही होगा तो खुल जाएगा, अगर सही नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। ये देखो, इसमें जगह हो गई है, यहाँ पे ये खुल चुका है और ये धीरे धीरे वापस बंद भी हो गया है। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाल खुला हुआ है। ये धीरे धीरे वापस बंद हो गया है। जो ये थर्मास्टेट वाल है, ये गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए काम में लिया जाता है। अपन लोग क्या करते हैं, गाड़ी का टेम्परेचर आया और अब और कुछ भी नहीं देखते, पहले इसको निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हेड गैस के टूटने की बहुत ज़्यादा शंका रहती है। तो कृपया करके इसको एक बार ज़रूर चेक करें। और कभी कई बार ऐसा भी होता है, अपन ने बिना चेक किए ही थर्मास्टेट काट के फेंका और दूसरा डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए।